दोस्तों देखिए, ये हम वीडियो बना रहे हैं, एक एपी की मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पीवीसी सीट है जो पहले से ही लगा के रख लिया है, और इस स्टेटर की जो लंबाई है वो तकरीबन 1.25 इंची के आसपास है। 6 सूत का इसका स्टेटर का साइज़ है, और इसमें 24 स्लॉट है, और इसमें हमने पीवीसी सीट पहले से ही लगा दिया है। देखिए, हम इसे वाइंड कर रहे हैं। जो हमने इसका पहला कोइल जो डाला है, इसमें 8 पे डाला है, 6 स्लॉट बीच में छोड़ के 8 में डाला है, और 8 से हम इसको देखो डाल रहे हैं, और 8 से 10 में डालना है। इसके अंदर देखो हमने पीवीसी शीट ये लगा दी है, और ऊपर से हम इसमें जो है सेपरेटर लगा रहे हैं ग्रीन शीट का। ये जो ग्रीन शीट होता है पेपर वाला, वो लगाएंगे इसके अंदर हम। ये देखिए, हम इसके अंदर लगा रहे हैं। ये 8 से 10 में हमने इसमें डाल दिया, और हम लास्ट वाला लच्छा ही घुमा के गिरेंगे इसमें कोइल का, और ये गिरेगा हमारा 12 पे। दोस्तों ये जो है हाई स्पीड की मोटर होती है, 2800 RPM होते हैं इसके। ये देखिए, हमने इसमें कोइल गिर दी है। ये देखिए, एक कोइल हमारी डल के इसमें तैयार हो चुकी है पूरी। देखिए, बिल्कुल फर्मा हमारा एकदम एक्यूरेट आया है, और हम अब कोइल को बैठा करके देखेंगे। ये देखिए, हमारी कोइल बिल्कुल सही बैठ चुकी है। अब हम इसमें दूसरी कोइल घेरेंगे। ये हमने पहले देखिए, दूसरी कोइल डालते समय हमें ध्यान रखना है, हमने इसमें 2 स्लॉट छोड़नी है, तब 8 में डालेंगे, ताकि 10 और 12 की हमारी इसमें कोइल डल जाए। अब हमने इसमें 8 में डाला है, बीच में 6 छोड़ी है, और साइड में हमने 2 छोड़ी है स्लॉट। आठ से अब 10 में हम डालेंगे इसे। इसके ऊपर में देखो ग्रीन पेपर लगा दिया है। 8 से 10 में हमारी ये डल चुकी है कोइल। अब इसमें हम 12 में डालेंगे। ये देखिए, हम आपको एक एक चीज़ ध्यान से बताएंगे डिटेल में, पूरी मोटर किस तरह से बांधी जाती है। और अगर इसमें हम डेटे की बात करें, तो इसके अंदर हमने 35 नंबर से 330 टर्न डाली है। हाँ जी, और इसकी जो लंबाई है तकरीबन 13.5 इंच की है। बाकी अब साइज अब खुद भी निकाल सकते हैं, छोटा बड़ा स्टेटर हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, हमारा स्टेटर बिल्कुल एक्यूरेट आया है। कोइल जो हमारी बिल्कुल सेट है, हमें कोइल इस हिसाब से डाल बनानी पड़ती है, ताकि अगर हम ये देखिए जी, हमने इसके अंदर वाइट शीट लगा के तैयार कर दिया है, ये वाइट टेप, ताकि शॉर्ट ना हो सके। कपड़े की टेप है ये, बढ़िया क्वालिटी की। और इसके अंदर हम स्टार्टिंग गेरेंगे। स्टार्टिंग में हम 36 नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में हमें 36 नंबर से 350 टर्न डालेंगे।
इसी प्रकार हम इसमें कोइल डालेंगे, पहले 8 और 10 12 ये हमारी पिच रहेगी इसमें। ये देखिए हम स्टार्टिंग कोइल डाल के दोस्तों हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमारी वीडियो बड़ी हो जाए, और हम इसमें धागा मार के आपको दिखाएंगे। इसके अंदर हम सिलाई करेंगे इसकी, अब धागे से कॉटन का धागा इस्तेमाल करेंगे बांधने के लिए। और देखिए जी हम कॉटन के धागे से इसमें धागा मार रहे हैं। ये हमारा धागा तकरीबन लग सा गया है, ये देखिए, ताकि धागा मारते में ध्यान रहे कि कोई तार वार ना टूटे, बिल्कुल प्यार से धागा मारा जाता है स्टेटर में। ये हमारा धागा लग चुका है देखिए जी, अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये हमारा धागा लग चुका है जी देखिए, अब हम इसे कनेक्शन करेंगे जी। इसके आमने सामने कनेक्शन होते हैं, 2800 चक्कर में होता है ये हाई स्पीड का। इसमें दो ही तार जुड़ते हैं आमने सामने के, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं इसे हम। ऐसे रनिंग के होंगे जी, ऐसे स्टार्टिंग के होंगे, तार जला के छील लिए और उसे ट्विस्ट करके इसके ऊपर हमने स्लिप चढ़ा दिया ये। स्लिप जो हमने यूज़ करी है इसमें एफ क्लास की बढ़िया वाली स्लिप है जो इस्तेमाल करी है इसमें। अब हम इसमें कनेक्शन के लिए तार जोड़ेंगे।